आर फाइन एंड गुड चैप्टर फिफ्टीन केमिस्ट्री पार्ट टू वाटर आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर सो सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर का डिफरेंस ये है कि सॉफ्ट वाटर हम उस वाटर को कहते हैं विच प्रोड्यूस गुड लेदर विद सोप जो कि अच्छी झाग बना सकता हो सोप के साथ ऐसा जो वाटर होता है उसे हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं और हार्ड वाटर वो होता है विच डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विद द सोप या तो वो लेदर झाग प्रोड्यूस ही नहीं करता या तो करे भी तो बहुत ज़्यादा स्मॉल अमाउंट में करता है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वाटर बॉटल है, इसमें वाटर लिया हुआ है इस साइड पे ये सॉफ्ट वाटर और इस बॉटल में हार्ड वाटर है इसमें सर्फ ऐड किया तो जो बबल्स बने हैं वो इतने लॉट्स ऑफ बबल्स बने हैं और क्लियर वाटर होता है जबकि हार्ड वाटर में अगर सर्फ ऐड करते हैं या डिटर्जेंट कुछ भी आप ऐड करते हैं उसको शेक करें तो बहुत स्मॉल अमाउंट में बबल्स बनते हैं और जो वाटर होता है साथ में वो क्लाउडी वाटर होता है क्लियर वाटर नहीं होता तो इस तरह से सॉफ्ट वाटर के साथ अगर आप सोप यूज करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ इस तरह बबल्स बनते हैं बहुत से लेकिन हार्ड वाटर के साथ ठीक से बबल्स नहीं बन पाते विद द सोप ये इसका मेजर डिफरेंस है सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर का ना वाट आर द कॉजिस ऑफ हार्ड हार्डनेस इन वाटर वाटर हार्डनेस की रीजनस क्या है क्या कॉजेस है जिसकी वजह से हार्डनेस होती है वाटर में ये बेसिकली कुछ कम्पाउंड्स हैं कुछ सॉल्ट्स हैं जो कि वाटर में प्रेजेंट होते हैं डिजोल्व फॉर्म में सॉलीबल फॉर्म में जो कि वाटर को हार्ड कर देते हैं हार्ड वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इनमें जो सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं जैसे कि बाई ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाई उन कंपाउंड को कहा जाता है जिसमें एच सी ओ थ्री ये ग्रुप प्रेजेंट होता है एच सी ओ थ्री इसे हम बायकार्बोनेट ग्रुप कहते हैं अगर ये कैल्शियम के साथ है तो इसको हम कह रहे हैं कैल्शियम बाय और अगर कैल्शियम की के जगह यहाँ पे मैग्नीशियम होगा तो मैग्नीशियम बाय होगा इसके अलावा जो सॉल्ट होते हैं वो है क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ये इनका फॉर्मूला है क्लोराइड्स होती हैं सी एल टू के फॉर्म में प्रेजेंट है कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड्स अगर ये कंपाउंड्स भी वाटर में प्रेजेंट हो तो ये भी हार्डनेस कॉज करते हैं वाटर की या फिर सल्फ़ेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मीन्स के कैल्शियम सल्फ़ेट और मैग्नीशियम सल्फ़ेट ये डिफरेंट सॉल्ट हैं ये सब सॉल्ट जब वाटर में प्रेजेंट होते हैं ये हार्डनेस कॉज करते हैं बिकॉज दे ऑल आर सॉलिबल सॉल्ट ये जितने भी सॉल्ट हैं बाई कार्बोनेट्स क्लोराइड्स एंड सल्फ़ेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ये डिजॉल्व फॉर्म में वाटर में प्रेजेंट होते हैं जो कि सोप के साथ बबल्स भी नहीं बनाने दे देते इसी वजह से सो so, ये हार्डनेस कॉज कैसे होती है सपोज फॉर एग्जांपल रेन वाटर रेन वाटर जब फॉल डाउन करती है तो एटमॉस्फेयर में एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है ये रेन वाटर उस गैस को कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर लेती है या डिजोल्व कर लेती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब इस रेन वाटर में डिजोल्व हो जाए तो वाटर मिक्सड विद द कार्बन डाइऑक्साइड अब ये रेन वाटर जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स फॉर्म में प्रेजेंट है सो वेन दिस वाटर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है इट पास थ्रू द बेड्स ऑफ द सॉइल जब ये मिट्टी के ऊपर से ये पानी गुजरता है तो इट कन्वर्ट्स इनसॉलिबल कार्बोनेट सो उस मिट्टी में सॉइल में अगर इनसॉलेबल कार्बोनेट्स प्रेजेंट है कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट्स है वो इनसॉलेबल होती हैं जब ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो इसमें प्रेजेंट है रेन वाटर में वो इस सॉइल में से पास कर रहे हो जिस सॉयल में ये कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं तो ये जो कंपाउंड्स हैं इन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू टू सॉलेबल कार्बोनेट्स में बाय कार्बोनेट्स आर सॉलेबल इन वाटर तो रेन वाटर इसको भी अपने साथ डिसॉल्व करते हुए आगे ले जाता है जो कि पानी में शामिल हो जाता है रिएक्शन इसके अगर हम देखें कैल्शियम कार्बोनेट है रेन वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रेजेंट है इसके अलावा वाटर प्रेजेंट है ये वो रेन वाटर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सड फॉर्म में प्रेजेंट है सो so, इन तीनों के बीच में रिएक्शन होता है जिसके रिजल्ट में हमारे पास कंपाउंड बनता है बाई कार्बोनेट कैल्शियम बाई कार्बोनेट इसी तरह से अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रेजेंट है सॉइल में तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस करता है सो so, ये रेन वाटर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स फॉर्म में प्रेजेंट है ये जब सॉइल में से पास करता है तो वहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके उसको बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर रहा है इसी तरह से अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रेजेंट है तो उसको मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर रहा है अब ये जो कंपाउंड्स हमें प्रोड्यूस हुए हैं ये सॉलिबल फॉर्म होती है ये वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं रेन वॉटर डिज़ोल्वस मैनी सॉल्ट्स रेन वॉटर डिजोल्व करता है बहुत से साल्ट को जिनमें डाईवल एंड कैटाइंस प्रेजेंट हो मीन्स के ऐसे सॉल्ट जिनमें एम जी प्रेजेंट हो प्लस टू की फॉर्म में ये केटाइंस हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों ही इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और पॉजिटिव आइन बनाते हैं तो ये केटाइन फॉम में प्रेजेंट होते हैं और सॉल्ट भी पॉजिटिव और नेगेटिव आइन से मिल बनता है तो वो सॉल्ट जिन में और कैल्शियम प्रेजेंट हो या फिर सल्फेट एनाइंस ये सब एनाइंस हैं सल्फेट बाइकार्बोनेट या फिर कार्बोनेट ये इस टाइप के किटाइंस और एनाइंस प्रेजेंट हो जिन सॉल्ट में रेन वाटर उनको डिजोल्व कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल जिप्सम इसका फार्मूला है सी ए एस ओ फोर कैल्शियम सल्फेट और इसमें टू वाटर मोल्स प्रेजेंट होते हैं टू एच टू ओ जिप्स में स्पेरेंशली सॉलेबल इन वाटर ये वाटर में कम्प्लीटली सॉलबल नहीं होता बहुत स्मॉल अमाउंट में सॉलेबल होता है इसमें जो केटाइन प्रेजेंट है वो है सी ए प्लस टू कैल्शियम केटाइन प्रेजेंट है और सल्फेट एनाइन इसमें प्रेजेंट है सो रेन वाटर इसको डिजॉल्व कर लेता है क्योंकि इसमें ये दो केटाइन और एनाइंस प्रेजेंट है सेकेंड एग्जाम्पल है लाइम स्टोन सो लाइम स्टोन इन सॉलेबल होता है वाटर में जैसे कि अभी मैंने आपकी रिएक्शन बताया uh, प्रीवियस में जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट होता है बाय कार्बोनेट में जब वो रेन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है सो so, लाइम स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट को हम कहते हैं और ये इनसॉल्युबल है वाटर में इसमें कैटाइन जो प्रेजेंट है वो है कैल्शियम और एनाइन जो है वो कार्बोनेट एनाइन प्रेजेंट है रेन वाटर इसको डिजॉल्व नहीं कर पाता जस्ट इसको कन्वर्ट कर देता है और जब कन्वर्ट करता है बाय कार्बोनेट पर तो ये सॉल्युबल फॉर्म में आ जाता है ट इन दिजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट हो तो फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइन स्टोन सॉलेबल होता है वाटर में। सो मेक द हार्ड वाटर ये सॉल्ट अगर प्रेजेंट होते हैं वाटर में तो इस वजह से वाटर को हम कहते हैं हार्ड वाटर हार्डनेस वाटर की कॉज करते हैं ये सब सॉल्ट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सी नेक्स्ट